हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 3x3 क्यूब को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इसी वीडियो में मैं आपको तीनों लेयर्स को सॉल्व करके बताऊंगा बहुत ही आसान मेथड्स में। ठीक है, मैंने जो पहले वीडियोस बनाई हुई है वो लेयर बाय लेयर बनाई हुई, फर्स्ट लेयर को अलग, सेकंड लेयर को अलग, थर्ड लेयर को अलग। सो तीन अलग अलग वीडियोज़ हैं लेयर बाय लेयर सॉल्व करने की। आप चाहें तो मेरी वो भी वीडियोज़ देख सकते हैं, वो थोड़ी डिटेल में बनी हुई है। ठीक है, सो अभी मैं आपके सामने इसी वीडियो में तीनों लेयर्स को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो जो पहला स्टेप होता है फ्रेंड इस क्यूब को सॉल्व करने का, ठीक है, हमें कोई भी एक लेयर को पिक करना होता है कि किस लेयर को हम पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके सेंटर पीसेस फिक्स होते हैं जैसा कि आपको पता है। ठीक है, और एज पीसेस और कॉर्नर पीसेस तीन तरह के पीसेस होते हैं इसमें। ठीक है, जो कॉर्नर पीस होता है वो तीन कलर का होता है, एक कलर, दो कलर, तीन कलर। ठीक है, और ये आपको कॉर्नर पीस जो है वो कॉर्नर वाले लोकेशन पे ही मिलता है। ठीक है, मतलब आप उस कॉर्नर पीस को एज वाले लोकेशन पे ढूंढ नहीं सकते, वो वहाँ पे शिफ्ट होगा ही नहीं। ठीक है, जो सेंटर पीस होता है वो एक कलर का होता है, आप देख रहे हैं। ठीक है, हर लेयर में एक सेंटर पीस आपको मिलेगा। ठीक है, और जो एज पीस होता है वो दो कलर का होता है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये दो कलर वाला एज पीस, इसको हम एज पीस बोलते हैं। ठीक है, सो एज पीस आपको जब भी मिलेगा इस पूरे क्यूब में, जब भी हम इस क्यूब को टर्न करेंगे किसी भी तरीके से, ठीक है, सो वो आपको कॉर्नर वाले पोजिशन पर नहीं मिलेगा। एज पीस जो है हमेशा वो आपको वो एज वाले लोकेशन पर ही मिलेगा। ठीक है, सो ये हो गई इसकी चीज़ें। अब हम इस क्यूब को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको मूवमेंट के बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारा राइट लेयर है, ये हमारा लेफ्ट लेयर है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट लेयर है और ये हमारा अपर लेयर है, ये हमारा बैक लेयर है। ठीक है, मैं आपको मूव करके भी एक बार बता देता हूँ जल्दी से। आर हम इस तरीके से करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस मूवमेंट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे दूंगा, आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आर के लिए हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, आर इनवर्स के लिए उसको हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, ये हो गया। और आर के ऑपोजिट में एल है, तो एल बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरीके से होता है, तो जब हम एल बोलेंगे तो एल इस तरीके से होगा, एल इनवर्स इस तरीके से होगा। ठीक है, और अगर यू की बात करें तो यू भी आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। ठीक है, सो मतलब क्लॉकवाइज में आप सही से इस तरीके से यू, और यू इनवर्स जब मैं बोलूँगा तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फ्रंट में भी आप क्लॉकवाइज फ्रंट और फ्रंट इनवर्स के लिए इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डाउन लेयर के लिए भी वही है आपका, डी क्लॉकवाइज, डी इनवर्स, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मिडिल लेयर बिल्कुल आर लेयर के जैसा मूव करता है। ठीक है, जैसे आर हम इधर करते हैं तो मिडिल लेयर भी आपका सिर्फ बीच वाले लेयर को, बीच वाले लेयर को हम अगर उधर घुमाते हैं तो एम बोलते हैं, और नीचे अगर डाउन करते हैं तो एम इनवर्स बोलते हैं हम इसको। ठीक है, सेम आपका बैक लेयर है आपका। ठीक है, बैक लेयर भी अगर यहाँ पे वॉच लगी हुई है तो इस तरीके से क्लॉकवाइज, यानी कि बी इधर होगा। ठीक है, और बी इनवर्स इधर होगा। ठीक है, सो ये हो गए हमारे इसके मूवमेंट और नोटेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना भी बताता हूँ। ठीक है, सो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें इसके चारों एज पीसेस को फिक्स करने होते हैं। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, ये जो दो कलर वाले पीसेस हैं हमें इन्हें फिक्स करना होता है। सो इसको फिक्स करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप हमें फॉलो करना है वो ये करना है कि जो इसका करेक्ट एज पीस है वो पहले हमें फाइंड करना है, और वो फाइंड करने के लिए हमें दो सेंटर्स को देखने होते हैं, मतलब जहाँ पे लगाना है उसके दोनों साइड के सेंटर्स को देखने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें कौन सा एज पीस लगाना है वो ये वाला सेंटर पीस और ये वाला सेंटर पीस बताएगा, क्योंकि इधर ग्रीन है, इधर ऑरेंज है, तो यहाँ पे ऑरेंज और इस साइड ग्रीन, ये वाला एज पीस यहाँ पे लगेगा ऑरेंज। ठीक है, तो वो हमें पहले फाइंड करना है, वो हम फाइंड करते हैं कहाँ पे है। ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज ग्रीन, ये देखिए ऑरेंज ग्रीन एज पीस जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, सो इसका ट्रिक क्या है कि हम इस एज पीस को यहाँ पे लगाने के लिए सबसे पहले इस एज पीस को हम नीचे लेकर के आएंगे। ठीक है, और नीचे लाने के बाद फिर हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। ठीक है, सो नीचे लाने के लिए इस एज पीस को हम सिंपली इस तरीके से टर्न कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आ गया है वो एज पीस, इसको अब हम यहाँ से इस पोजीशन पे लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दो कंडीशंस मिलेंगे। ठीक है, जब आपका सही एज पीस उस लोकेशन के बिल्कुल नीचे रहेगा, ठीक है, जहाँ पर कि आपको मतलब इस एज पीस को यहाँ पे फिक्स करना है, इसके बिल्कुल नीचे रहेगा सही वाला एज पीस, तो इसमें आपको दो कंडीशन मिलेगा, या तो इस पीच का इस एज पीस का एक साइड जो है इस सेंटर पीस के साथ मैच कर रहा होगा, ठीक है, या तो नहीं मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो दोनों केसेस में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। जब मैच कर रहा होगा तो सिंपल हम इसको दो बार टर्न करके ऊपर कर लेंगे। ठीक है, और ये एज पीस हमारा करेक्ट तरीके से फिक्स हो चुका है। ठीक है, अब मैं दूसरे एज पीस को फाइंड करता हूँ, ऑरेंज और वाइट। यहाँ पे इस साइड
वाइट सेंटर है, इस साइड ऑरेंज सेंटर है ऊपर में चूंकि, ठीक है। तो यहाँ पे वाइट और ऑरेंज वाला एज पीस लगेगा। वाइट और ऑरेंज वाला एज पीस हम फाइंड करते हैं कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है आपका वाइट और ऑरेंज वाला एज पीस, ठीक है। और इस वाइट और ऑरेंज वाले एज पीस को कहाँ पे लगना है, यहाँ पर लगना है, यहाँ पर लगना है, और ये एज पीस यहाँ पर है, ठीक है। सो ये भी हमें नीचे वाले लेयर में ही मिल गया, तो हम इसको आसानी से टर्न कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला हमारा ख़राब नहीं होगा, इसलिए नीचे वाले लेयर को टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखिए केस नंबर 2 मिल गया। जब हमें ऐसा कंडीशन मिलेगा कि सही पीस तो हमें बिल्कुल उस लोकेशन के नीचे मिल रहा है, लेकिन एज पीस का एक साइड जो है वो इस सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको ऐसे ऊपर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर करेंगे तो ये सही तरीके से नहीं लग रहा है, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम कि इस पीस को साइड कर लेंगे। जैसे हम इस साइड कर लेते हैं, डी मूव करा देते हैं, ठीक है, और एम इनवर्स कर देते हैं, सिर्फ मिडिल वाले लेयर को, इसको वापस कर दीजिए आप, ठीक है, इसको वापस कर दीजिए। मिडिल लेयर को हमने एम इनवर्स कर लिया, ठीक है, और इसको फिर से हम डी इनवर्स कर लेंगे, ठीक है। सो ये वाला जो एज पीस था पहले हम इधर करके सेव कर लिए, और फिर सेव करने के बाद जब मिडिल लेयर को हम नीचे ले करके आए तो फिर हम इसको यहाँ पे ला करके इसके साथ कनेक्ट कर दिए और फिर से मिडिल लेयर को एम कर देंगे, तो फिर जा करके ये हमारा एज पीस भी करेक्टली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिए, बस यही दो कंडीशन मिलेगा, और आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान देना है कि करेक्ट पीस को बस आपको उस पोजीशन के नीचे लेकर के आना है जहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ऑरेंज और यहाँ पे ब्लू, ऑरेंज और ब्लू वाला पीस हम ढूंढते हैं कहाँ पर है, ऑरेंज और ब्लू, ये देखिए ऑरेंज और ब्लू एज पीस यहाँ पर है, ठीक है। सो हम इस एज पीस को पहले नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है, ऑरेंज और ब्लू वाले पोजीशन के नीचे लेकर के आएंगे। सो अगर हम इसको इस तरीके से टर्न करते हैं तो ये देखिए हमारा जो बना हुआ एज पीस है वो ख़राब हो रहा है, तो हमें ध्यान क्या देना है कि इसको हम टर्न करके ऐसे तो कर लेंगे, ठीक है, ये वाला एज पीस निकालने के लिए हम ऐसे टर्न करेंगे, ये वाला एज पीस हमारा नीचे आ गया। अब हम इसको टर्न करके ऐसे इस साइड सेव कर लेंगे और इसको फिर से हम वापस उसी पोजीशन पे लेकर के आ जाएंगे ताकि ये हमारा ख़राब ना हो, ठीक है। अब देखिए जिस पीस को हमें निकालना था वो पीस हमारा निकल गया है, ऑरेंज और ब्लू वाला, ठीक है। अब हम इसको टर्न करते हैं और उस पोजीशन के बिल्कुल नीचे लेकर के आते हैं जहाँ पर हमें फिक्स करना था, जैसे ऑरेंज और ब्लू, और यही पीस है वो ऑरेंज और ब्लू। यहाँ पर देखिए हमें केस 1 मिल गया, मतलब ये दोनों मैच कर रहा है, एज और सेंटर पीस मैच कर रहा है, एज और सेंटर पीस मैच कर रहा है। तो हम सिंपल क्या कर रहे हैं, दो बार इसको टर्न करके ऊपर कर लेंगे तो ये भी हमारा एज पीस फिक्स हो गया, ठीक है। 3 एज पीसेस हमारे लग गए। 4th एज पीस हम देखते हैं, ऑरेंज और येल्लो। सो ऑरेंज और येल्लो, ऑरेंज येल्लो, ये देखिए ऑरेंज और येल्लो यहाँ पे है, ठीक है। सो इस पीस को हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ऑरेंज और येल्लो वाले पोजीशन पे इस पीस को लगाना है, ठीक है, येल्लो ऑरेंज। तो ये नीचे लेयर में है, हमें नीचे लेयर में टर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, आसानी से हम इसको टर्न कर सकते हैं, टर्न करके यहाँ पे लेकर के आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मैच नहीं कर रहा है, ये करेक्ट पीस तो है लेकिन यहाँ पे इस सेंटर के साथ इसका कलर मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम सीधा क्या करेंगे, डी एम इनवर्स सिर्फ मिडिल लेयर को, ठीक है। राइट वाला लेयर अगर नीचे आ गया तो आप इसको वापस कर दीजिए ऐसे, ठीक है, डी वापस लेकर के आ गए और सिर्फ मिडिल लेयर को ऊपर करना है, ठीक है, मिडिल लेयर को ऊपर करना है। तो ये देखिए हमारा एक प्लस जो है वो हमें मिल गया है, ठीक है, मतलब ऊपर में प्लस का साइन जो हमें बनाना था वो मिल गया है। और आप इस लेयर को टर्न करके मतलब बिगाड़ ना लें क्योंकि ये सेंटर के साथ मैच है, ठीक है। सो इस सेंटर के साथ कनेक्टेड ही रखना है। और अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। सेकेंड स्टेप में आपको इसके कॉर्नर्स को मैच करना होता है, ठीक है, कॉर्नर्स को भी हम एज के जैसा ही मैच करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो सही कॉर्नर पीस होगा उसको हम उस पोजीशन के जहाँ पे लगाना है उसके नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम सही वाले कलर को ऊपर करेंगे, ठीक है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे हमें कौन सा कॉर्नर पीस लगाना होगा। कॉर्नर पीस 3 कलर वाला होता है, आपको पता है। यहाँ पे हमें कॉर्नर पीस जो लगाना होगा उसका एक कलर येलो होगा, एक कलर ग्रीन होगा और एक कलर ऑरेंज होगा, तभी जा करके वो कॉर्नर पीस यहाँ पे फिक्स होगा तो सही तरीके से लगेगा, ठीक है। ग्रीन येलो और ऑरेंज वाला, ग्रीन येलो और ऑरेंज वाला कॉर्नर पीस ये देखिए यहाँ पर, येलो ऑरेंज एंड ग्रीन वाला, इस पीस को हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए हम इसको ऐसे टर्न नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये हमारा एज के साथ सेंटर खराब हो जा रहा है, ठीक है। सो इसको हमें ऐसे ही रखना है
और इस पीस को हमें यहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए पहले हमें इसको निकालना होगा, और जब हम निकालने के लिए इसको डाउन करेंगे तो ये एज पीस हमारा ख़राब हो रहा है, ठीक है। सो ध्यान रहे कि जब ये एज पीस ख़राब हो रहा है तो हम इसको फिर वापस रिटर्न कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको हमने डाउन किया, ये कॉर्नर को हम साइड करके इसे निकाल लेते हैं और इसको हम वापस यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। सो ये भी हमारा करेक्ट हो गया और ये वाला पीस हमारा निकल करके बाहर आ गया, जिस पीस को हमें चाहिए था। येलो, ऑरेंज और ग्रीन, ये देखिए येलो, ऑरेंज और ग्रीन पीस हमें मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो कंडीशन मिलेगा वो दो कंडीशन मिलेगा, या तो जिस कलर को ऊपर जाना है, ठीक है, मतलब ऑरेंज कलर को ऊपर हमें लेकर के आना है, या तो वो कलर हमें नीचे साइड में मिलेगा, या तो राइट या फिर फ्रंट साइड में मिलेगा। बस यही कंडीशंस आपको मिलेंगे, या तो नीचे साइड में मिलेगा, या तो राइट साइड, या तो फ्रंट साइड में मिलेगा, ठीक है। जब नीचे साइड में मिलेगा तो सबसे पहले हमें इसे एक मूव करना है, और उस मूव के थ्रू हम इस नीचे जो कलर है इसको हम राइट साइड या फ्रंट साइड लेकर के आ जाएंगे, और उसके बाद फिर हम उसको फिक्स करेंगे, ठीक है। सो पहले हम नीचे लेकर के आ गए सही कॉर्नर पीस को, अब अगर कलर नीचे है तो हम एक मूव के थ्रू इस कलर को ऊपर लेकर के आएंगे। वो मूव क्या है, आर इनवर्स, डी इनवर्स, डी इनवर्स, दो बार आपको डी इनवर्स करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको थोड़ा सा इफेक्ट भी बता देता हूँ। ये जो पीस है सबसे पहले यहाँ पे आएगा, जैसे देखिए आर इनवर्स हमने किया तो ये पीस यहाँ पे चला आया, ठीक है। अब डी इनवर्स कर रहे हैं, ये पीस यहाँ पे आ गया। अब ऐसे नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये पीस फिर गलत तरीके से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए एक बार और करके हम इसको सेव कर रहे हैं यहाँ पे, और फिर इस पीस को ऊपर कर दे रहे हैं, इस लेयर को, ठीक है। सो एज भी हमारा सही है, और ये देखिए ये जो पीस था इसका ऑरेंज कलर ऊपर हमें मिल गया, पहले नीचे था अभी हमें ऊपर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है कि इसको हम किस तरीके से फिक्स करें कि हमारा एज पीस भी बिल्कुल सही हो और कॉर्नर पीस भी सही तरीके से फिक्स हो जाए। हम ऐसे भी फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है, और ऐसे भी स्ट्रेट अवे फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारा एज ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एज पीस ख़राब हो जाएगा। तो हमें क्या ध्यान देना है कि हम इसको किस तरीके से फिक्स करें कि ऊपर वाला हमारा बना हुआ जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसके लिए हमें एक मूव करना होगा, अगर ये हमारे राइट साइड में होगा, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर ये हमारे राइट साइड में होगा, ठीक है, तो हम इसके लिए डी फ्रंट, डी इनवर्स और एफ इनवर्स, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये कॉर्नर पीस जो है सही तरीके से ऊपर हमें मिल जाएगा। मतलब ऑरेंज वाला ऑरेंज के प्लेस पे, ग्रीन वाला ग्रीन और येलो वाला येलो के प्लेस पे, ठीक है। या फिर अगर आप इसको अपने तरीके से बिना फार्मूला के भी आप इसको फिक्स कर सकते हैं कि आप इसको पहले साइड में करके सेव कर लिया, फिर इस लेयर को डाउन कर लिया आपने, ठीक है, और फिर इसको वापस करके ऊपर कर लिया, तो एज और कॉर्नर दोनों फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक कॉर्नर फिक्स हो चुका है हमारा। अब हम सेकेंड कॉर्नर की तरफ आते हैं। सेकेंड कॉर्नर जो है ऑरेंज, ब्लू और येलो कलर का लगेगा। ऑरेंज, ब्लू और येलो कलर का कॉर्नर पीस कहाँ पर है, हमें कॉर्नर्स वाले पोजीशन पे ही देखना है, ठीक है। सो ऑरेंज, ब्लू और येलो, ये देखिए ये कॉर्नर पीस यहाँ पर है, इसको लगना यहाँ पर है, मतलब ये कॉर्नर पीस यहाँ पे है, लगना इसको यहाँ पर है, ठीक है। सो नीचे वाले लेयर में हम आसानी से इसको टर्न करके ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब हमें इस पीस को ऊपर लेकर के जाना है सही तरीके से, जिससे कि हमारा एज भी ख़राब ना हो और ये कॉर्नर पीस भी सही तरीके से फिक्स हो जाए, ठीक है। सो अभी आप सेम सिचुएशन देख रहे हैं कि हमारे राइट साइड में ये वाला कलर नीचे में नहीं है, नीचे था तो हमने उसको ऊपर करके राइट साइड में लेकर के आ गए थे हम उस मूव्स के थ्रू, ठीक है। सो अब हमें नीचे में नहीं है तो राइट साइड में मिल रहा है हमें ये चीज़, ठीक है। तो अब हम सीधा वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर खुद से अपना दिमाग यूज़ करके जो है वो इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने इसको इस साइड करके सेव कर लिया, ठीक है, इस लेयर को हम डाउन करते हैं और इसको हम वापस लेकर के आते हैं, तो ये कनेक्ट हो गया, और फिर हम इसको वापस ऊपर लेकर के चले जाएंगे, तो ये देखिए ये भी हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। हमारे ये कॉर्नर और ये दोनों कॉर्नर्स, मतलब ये एजेस और ये कॉर्नर, ठीक है, ये दोनों हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे थर्ड कॉर्नर पीस की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज, वाइट और ब्लू, ऑरेंज, वाइट और ब्लू वाला कॉर्नर पीस ये यही है, ठीक है, मतलब सही जगह पे है वो, लेकिन सही ओरिएंटेशन में नहीं है, ठीक है। सो इसको भी फिक्स करने के लिए आप वैसे ही कीजिए कि इसको पहले नीचे लेकर के आइए, ठीक है। अब मैं इसको डाउन करता हूँ, डाउन करने से ये देखिए हमारा ये एज पीस ख़राब हो रहा है, तो फिर से हम इसको वापस लेकर के चले जाएंगे। डाउन करके इस कॉर्नर को हम ऐसे निकाल लेते हैं साइड करके, और इसको हम वापस भेज देते हैं। सो ये सही बन गया हमारा, और ये निकला हुआ जो कॉर्नर पीस है वो हम बिल्कुल इसको इस पोजिशन के नीचे लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें जो कंडीशन मिल रहा है,
वो ऑरेंज वाला जो कलर है वो नीचे मिल रहा है हमें, ठीक है, मतलब ना ही राइट साइड में मिल रहा है ना ही फ्रंट साइड में मिल रहा है, ठीक है, नीचे साइड में मिल रहा है। तो यहाँ पे वही मूव हमें करना है, ठीक है। डाउन किया हमने एक बार दो बार ऐसे करके, यहाँ पे हम ले करके आ गए, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, इस एज पीस को, इस कॉर्नर पीस को हमें इसका कलर ऊपर करना है नीचे से, ठीक है। सो ये देखिए राइट वाला ये लेयर है हमारा, ठीक है। इस राइट लेयर को एक बार डाउन किया हमने, यहाँ से ये यहाँ चला गया। अब इसको एक बार करके यहाँ लेकर के आया, दो बार करके यहाँ पे लेकर के आया और फिर से इसको वापस, ठीक है। सो ये सही पीस हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम इसको टर्न करते हैं यहाँ पे, तो देखिए ऑरेंज वाला कलर जो है मतलब नीचे से हट करके अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, साइड में आ गया। अब हम इसको उसी मूव्स के थ्रू फिक्स कर लेंगे, साइड करते हैं, इस लेयर को डाउन करते हैं और यहाँ पे ऐसे फिक्स करके फिक्स कर लेते हैं ऊपर करके। तो यहाँ पे ये भी कॉर्नर, ये भी एज पीस, ये एज, ये कॉर्नर, ये सारे फिक्स हो चुके हैं, सिर्फ एक बचा हुआ है कॉर्नर हमारा, ठीक है। सो इस कॉर्नर को भी फिक्स करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट पीस है, ऑरेंज ग्रीन और वाइट, ठीक है। सो ऑरेंज ग्रीन और वाइट पीस हम ढूंढते हैं। ये देखिए ऑरेंज ग्रीन और वाइट पीस यहाँ पे है, ठीक है, इसको लगना यहाँ पर है, ये करेक्ट कॉर्नर पीस यहाँ पे है, लगना इसको यहाँ पे। सो नीचे वाले लेयर में है तो हम आसानी से इसको टर्न करके बिल्कुल इस पोजीशन पे लेकर के आ गए। फिर से हमें ये पीस जो है यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, नीचे वाले साइड में मिल रहा है, ठीक है। सो हम इसको मूव्स के थ्रू निकालते हैं, एक बार दो बार फिर से हम इसको ऊपर कर लेते हैं और ये अब हमारे सामने यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। सो अब हम सेम तरीके से इसको भी फिक्स कर लेते हैं, इसको हम साइड कर लेते हैं, इसको डाउन करके ऐसे इसको कनेक्ट करके फिर इसको हम वापस यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसमें आपको एक केस और भी मिल सकता है फ्रेंड, कि जैसे ऑरेंज वाला पीस अभी आपने ध्यान दिया कि हमें या तो नीचे मिला या तो राइट साइड में मिला, ठीक है, दो केस आपको मिला। तीसरा केस आपको ये भी मिल सकता है कि आपको फ्रंट साइड में यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। सो जब आपको फ्रंट साइड में मिलेगा, ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको डी इनवर्स करना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ कि इस ग्रीन कलर को हमें ऊपर पहुँचाना है, ठीक है। सो ग्रीन कलर को हमें ऊपर पहुँचाना है, आप वैसे एग्जांपल के जैसा इसको लीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऑरेंज कलर है, ठीक है, ये ऑरेंज कलर है, इसको हमें ऊपर पहुँचाना है, ठीक है। सो हम इसको डी इनवर्स करके इधर साइड करेंगे, ये देखिए ऑरेंज कलर यहाँ पे आ गया और इस लेयर को हम डाउन करेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो ये देखिए मैंने एग्जांपल के लिए ग्रीन कलर को ऑरेंज बताया हुआ था, ये कनेक्ट हो गया और फिर हम इसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। सो अगर आपको जो करेक्ट वाला कलर है, ठीक है, जिसको ऊपर जाना है, वो राइट साइड में मिल गया, तो वो तो आपने देख ही लिया। जब फ्रंट में मिलेगा तो अभी मैंने जो मूव्स बताए, ठीक है, कि सिंपली यहाँ पर जब आपको मिलता है तो क्या करना है कि इसको साइड करना है, इस लेयर को डाउन करना है और फिर से साइड किए हुए लेयर को सामने ला करके यहाँ पर मैच करा के ऊपर कर देना, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर हमारा सॉल्व हो गया। फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के बाद हम सेकेंड लेयर को सॉल्व करते हैं। सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए हमें इस सॉल्व लेयर को ऊपर की तरफ रखना है, मतलब इसको हमें अपर लेयर बना करके रखना है, ठीक है। अब हम सेकेंड लेयर को सॉल्व करेंगे। सेकेंड लेयर में क्या है कि हमें सेंटर पीस और एज पीस, देखिए हमें यहाँ पे बना हुआ मिल रहा है, बस हमें यहाँ पे जो बीच वाला एज पीस है, ये वाला एज पीस हमें फिक्स करना है, बीच वाला एज पीस, ठीक है। सो बीच वाले एज पीस को फिक्स करने के लिए दो तरीके से हम फिक्स करते थे, ठीक है, एक तो इस सॉल्व्ड लेयर को ऊपर रख करके और एक हम ऐसे नीचे रख करके भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको इजी वे बताता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब ये सॉल्व लेयर को हम ऊपर रख करके अप्लाई करेंगे, ठीक है, मूव्स, तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि जो करेक्ट एज पीस है उसको हमें अपने फ्रंट लेयर के बिल्कुल सामने लेकर के आना है, ठीक है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए येलो और यहाँ पर ग्रीन कलर का एज पीस फिक्स होगा, इस साइड येलो और इस साइड ग्रीन होना चाहिए, तो पहले वो पीस हमें ढूंढना होगा कि कहाँ है। ये देखिए येलो और ग्रीन वाला पीस यहाँ पर है, ठीक है। सो चूंकि ये नीचे वाले लेयर में, तो हम इसको आसानी से मूव करके ला सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जब करेक्ट पीस हमें मिल गया है, ठीक है, सो इसको यहाँ पर जाना है, तो हमें ध्यान क्या देना है कि कौन सा कलर इसका ऊपर है, मतलब यहाँ पे जाना है, तो हमें इन दोनों सेंटर के साथ इसका ऊपर वाला कलर मैच करना है, मतलब एज जो है जिस भी सेंटर के साथ मैच करेगा, चाहे इसके साथ मैच करे चाहे इसके साथ मैच करे। अगर येलो वाला ऊपर होता तो इसके साथ मैच करता, क्योंकि अभी ग्रीन है तो वो इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है।
तो जिसके साथ मैच करेगा हमें बिल्कुल उस पोजीशन पे ऐसे रखना है इसको, ठीक है। और ध्यान देना है कि इस वाले पीस को राइट साइड जाना है या लेफ़्ट साइड जाना है, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में हमें दिख रहा है कि ये लेफ़्ट साइड जाएगा, ग्रीन और येलो ये लेफ़्ट साइड जाना है, ठीक है। तो जब लेफ़्ट साइड जाना है तो उसके लिए ये मूव से आप याद रखिएगा, ठीक है। जब अपोजिट मतलब लेफ़्ट साइड जाना है तो इसको उसके अपोजिट साइड लेकर के जाएंगे, नीचे वाले लेयर को, ठीक है। जाना लेफ़्ट में है लेकिन हम इसको नीचे वाले लेयर को पहले राइट साइड लेकर के जाएंगे, ठीक है। पहला जिस लेयर में जाना है, ठीक है, उस लेयर को हम डाउन करेंगे, ठीक है। और जो हम अपोजिट साइड में लेकर के गए हुए थे उसको हम वापस लेकर के आ जाएंगे और डाउन किए हुए लेयर को हम ऊपर कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपका एक कॉर्नर पीस यहाँ पे ख़राब हो जाएगा, ठीक है। आप अभी एज को मत देखिए कि करेक्ट एज पीस अभी लगा है कि नहीं लगा, आप सिर्फ ये देखिए कि कॉर्नर आपका एक ख़राब हो गया है, ठीक है। आप जब इस कॉर्नर को फिक्स करेंगे तो आपका यहाँ पे जो एज पीस है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड, यहाँ पे फर्स्ट लेयर में जो मैं आपको कंडीशन बता रहा था कि जो अगर ऑरेंज वाला कलर, मतलब जिस कलर को आपको ऊपर लेकर के जाना है, वो अगर आपके फ्रंट में मिलता है तो आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, कोइंसिडेंटली अभी हमें वही कंडीशन मिल गया तो मैं आपको अभी लाइव दिखा भी देता हूँ, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, डी इनवर्स, ठीक है, मतलब हमें कॉर्नर फिक्स करना है, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली एज भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है। यही इस एज को फिक्स करने का सिस्टम है, ठीक है। हमने इस साइड किया डी इनवर्स करके, आर इनवर्स करके डाउन किया इस लेयर को, फिर डी करके इसको इसके साथ मैच करा दिया और फिर आर करके ऊपर लेकर के चले गए। ये कॉर्नर भी फिक्स हो गया, ये देखिए हमारा एच पीस भी फिक्स हो गया, ठीक है। सो यही मूव्स है, इसी के थ्रू हमें फिक्स करना है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ग्रीन और यहाँ पर वाइट, ठीक है। सो यहाँ पे हमें कोई भी ऐसा एच पीस लगाना है जिसका एक साइड ग्रीन हो एक साइड वाइट हो। ये देखिए वही एच पीस है, यहाँ पे ग्रीन और वाइट वाला एच पीस, लेकिन वो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। एच पीस का कलर जो है वाइट वाला ऊपर है, तो हम वाइट सेंटर के साथ मैच कराएंगे इसको, ठीक है। और हम देखेंगे कि ये राइट साइड जाएगा या लेफ़्ट साइड जाएगा। तो अभी जो हमें दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि ये लेफ़्ट साइड जाना है इसको, ठीक है। सो सेम मूव्स हम अप्लाई करते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड जाना है तो हम इसको दूर लेकर के जाएंगे, अपोजिट लेकर जाएंगे, राइट साइड लेकर के जाएंगे। लेफ़्ट जाना है हम राइट लेकर के जाएंगे, ठीक है। राइट साइड करके दूर कर दिया हमने इसको, ठीक है। जिस लेयर में जाना है उस लेयर को डाउन करेंगे, फिर अपोजिट ले गए हुए लेयर को वापस हम लेकर के आएंगे और जिस लेयर को हमने डाउन किया था इस लेयर को हम ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि हमारा कॉर्नर ख़राब हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। सो हमारा जो कॉर्नर ख़राब हुआ है, बस हमें इसको फिक्स करना है, तो एज भी हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। हम इसको डाउन साइड कर लेते हैं, इस लेयर को डाउन करते हैं और फिर से इस साइड किए हुए लेयर को वापस लेकर के आके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और ऊपर कर देंगे। तो ये हमारा कॉर्नर भी फिक्स, ये हमारा एज भी फिक्स हो गया, ठीक है। सो आपने लेफ़्ट साइड वाला सिस्टम देख लिया, ठीक है। मैं देखता हूँ इसमें राइट साइड वाला सिस्टम आता है कि नहीं आता है। अभी जैसे यहाँ पर हमें कौन सा कलर लगाना है एच पीस, वाइट और ब्लू, ठीक है। सो वाइट और ब्लू एच पीस हम ढूंढते हैं कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ पे ब्लू और वाइट एच पीस जो है वो यहाँ पे फिक्स है, मतलब मिडिल लेयर में, डाउन लेयर में हमें नहीं मिल रहा है। मतलब अगर डाउन लेयर में मिलता तो हम तो आसानी से ऐसे टर्न करके लेकर के आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड वाला फार्मूला अप्लाई करते, राइट साइड में राइट साइड वाला फार्मूला अप्लाई करते, ठीक है। सो क्योंकि अभी हमें ये बीच में मिल रहा है, आपको भी ऐसा सिचुएशन मिल सकता है कि जिस पीस को आपको फिक्स करना है वो आपको नीचे ना मिल करके मिडिल लेयर में ही मिल रहा होगा, ठीक है। सो इस केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस केस में हमें क्या करना है कि हमें फार्मूला अप्लाई करके इसको निकालना है, मतलब सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, राइट साइड वाला या फिर लेफ़्ट साइड वाला। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं इस पीस को, ठीक है, ये वाले पीस को अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँ, राइट साइड में फ़िक्स कर दूँ, तो ये वाला पीस तो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा हमें टॉप लेयर में मिल जाएगा, बाहर निकल करके नीचे वाले लेयर पे आ जाएगा, ठीक है। सो फिर हम आसानी से इस करेक्ट पीस को सही पोजीशन पे ला करके सही प्लेस पे फिक्स कर पाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीज़ें, या तो हम किसी गलत पीस को यहाँ पे फिक्स कर दें राइट साइड में, ठीक है, या तो अगर आप इधर से पकड़ेंगे तो हम इस पीस को लेफ़्ट साइड में फिक्स कर सकते हैं। मतलब दोनों कंडीशन में निकल जाएगा ये, हमें इसको बस निकालना है। तो दोनों कंडीशन है, या तो किसी भी एक गलत पीस को हम ऐसे पकड़ के लेफ़्ट साइड मूव करा दें, मतलब लेफ़्ट साइड फिक्स कर दें यहाँ पे, तो ये पीस बाहर निकल जाएगा, या तो इधर से पकड़ के हम राइट साइड फिक्स करा दें, ठीक है। सो मैं अभी आपको राइट साइड वाला फार्मूला दिखाता हूँ, चूँकि लेफ़्ट साइड वाला ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो राइट साइड के लिए जो फार्मूला है वो बस सेम है, ठीक है।
हम लेफ्ट साइड में क्या कर रहे थे, जब लेफ्ट साइड फिक्स करना था तो हम राइट साइड लेकर के जा रहे थे, मतलब उसके दूर लेकर के जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ में राइट साइड लेकर के जाना है इसको एग्जैक्ट से, मतलब इस पीस को मैं यहाँ पे फिक्स करके इसको बस निकालना चाह रहा हूँ। तो उस केस में क्या करेंगे कि ये देखिए रेड और ब्लू वाला पीस हमें यहाँ पे फिक्स करना है, तो हम इसको राइट साइड जाना है, हम लेफ्ट साइड लेकर के गए, इस लेयर को हमें डाउन करना है जिस लेयर में जाना है, ठीक है, और दूर ले गए हुए अपोजिट ले गए हुए लेयर को वापस लेकर के आना है, ठीक है, और फिर डाउन किए हुए लेयर को ऊपर कर लेना है, ठीक है। सो उस केस में आपका एक कॉर्नर ख़राब होता है, मैंने आपको बताया था। अब ये कॉर्नर ख़राब हुआ तो फर्स्ट लेयर वाले सिचुएशन पे आ गया, बस आपको इसको ऐसे साइड करना है, इस लेयर को डाउन करना है, ठीक है, और वापस ला करके इस लेयर को ऊपर कर लेना है, तो ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ब्लू और रेड वाला जो यहाँ पर पीस था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो उस तरीके से हमारा जो सही पीस था वो बाहर निकल गया है, ठीक है। ये देखिए वाइट और ब्लू वाला पीस हमारा बाहर निकल गया, ठीक है। अब हम इसको मूव करके सही जगह पे लगा सकते हैं। अभी मैं देखिए इसको लेकर के आ गया, सेंटर के साथ मैच कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्लू ब्लू मैच कर रहा है और वाइट एक साइड में, यहाँ पे वाइट यहाँ पे ब्लू है, तो ये वाला पीस जो है बिल्कुल यहाँ पे फिक्स होगा, ठीक है। इसमें हम लेफ्ट साइड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड के लिए हम इसको राइट साइड में लेकर के जाएंगे, जिस लेयर में लेकर के जाना है उसको डाउन करेंगे, फिर वापस हम इसको लेकर के आ जाएंगे और इस लेयर को ऊपर कर देंगे, ठीक है। कॉर्नर हमारा ख़राब होता है, सो कॉर्नर को हमें फिक्स करने के लिए बस सिंपली इसको साइड करके सेव कर लिया, इस लेयर को डाउन किया, इसको फिर से वापस लेकर के आ गए जिसको हम साइड करके सेव किए थे, और इस लेयर को हम ऊपर ले जा करके इस कॉर्नर को फिक्स कर लेते हैं, और ये भी हमारा एज पीस फिक्स हो जाता है, ठीक है। सो लास्ट एज पीस है अब हमारा यहाँ पे ब्लू और येल्लो, ठीक है। सो ये देखिए ये हमारा ब्लू और येल्लो पीस यहाँ पे हमें मिल रहा है, हम इसको यहाँ पे ऐसे मैच करा लेते हैं एज को सेंटर के साथ। अब यहाँ पे हमें फिर से लेफ्ट साइड में लेकर के जाना है, राइट साइड वाला फार्मूला मैंने आपको बता दिया है, सो आप उसको उस तरीके से अप्लाई करेंगे तो वो आसानी से आपका बन जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे हमें लेफ़्ट लेकर के जाना है तो हम क्या करेंगे, राइट लेकर के जाएंगे इस चीज़ को, इस पीस को हमें लेफ़्ट फिक्स करना है। सो हम पहले मैच कराने के बाद एज का एक साइड और सेंटर का साइड जहाँ पे मैच कर रहा है वहाँ पे लाने के बाद अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, जाना है इसको यहाँ पे है लेकिन हम इसको दूर लेकर के जा रहे हैं, राइट जिस लेयर में जाना है उस लेयर को डाउन कर रहे हैं और दूर ले गए हुए लेयर को वापस लेकर के आएंगे और फिर इस लेयर को हम ऊपर की ओर टर्न कर देंगे, ठीक है। हमारा एक कॉर्नर ख़राब होता है, कॉर्नर को फिर हम वैसे ही फिक्स कर लेते हैं, साइड करके डाउन किया फिर वापस लेकर के आए और इसको ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ये भी पीस जो है फिक्स हो गया, तो हमारे दोनों लेयर, ये देखिए ये दोनों लेयर हमारे सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड लेयर पे, थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसके एज पीस को फिक्स करना होता है, ठीक है, दो कलर वाला एज पीस जो है उसको फिक्स करना होता है, उसके बाद फिर हम कॉर्नर्स को फिक्स करते हैं, ठीक है। सो पहला कंडीशन ये मिलेगा कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही, मतलब सेंटर पीस सिर्फ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एज पीस का कोई भी कलर ऊपर में नहीं होगा, ठीक है। ये वाला कलर तो आपको सही मिल रहा है, ठीक है, ये दोनों नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पहला केस होगा, मतलब ऐसा कंडीशन भी आ सकता है जिसमें कोई भी कलर ऊपर ना हो, ठीक है, पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगा कि कोई भी दो कलर आपका ऊपर मिल सकता है, ठीक है, जो कि आपका इस शेप में हो, उल्टे एल वाले शेप में हो। आप अभी कॉर्नर को ध्यान मत दीजिए, ठीक है, इस कॉर्नर, इन दोनों पीसेस को ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ एज पीसेस को देखिए, उल्टे एल वाले शेप में आपको मिल सकता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, पहला कंडीशन तो मैंने बताया कि कोई भी एज पीस नहीं होगा, सेकंड कंडीशन उल्टे एल वाले शेप में मिल सकता है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या होगा कि आपको स्ट्रेट लाइन मिल सकता है एज में, मतलब ये और ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बना हुआ होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी एज पीस में सही कलर नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये दोनों एज पीस सही होगा, ठीक है। सो इसको अलग अलग एंगल से पकड़ करके फार्मूला अप्लाई करना होता है, तब जा करके ये फिक्स होता है, ठीक है। मैं आपको तीनों एंगल्स बताता हूँ, जब हमारा कोई भी एज पीस ऊपर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी एज पीस हमारा ऊपर नहीं होगा, सिर्फ सेंटर का जो कलर है सिर्फ वही होगा ऊपर, ठीक है। सो उस केस में हमें क्या करना है कि इस ऊपर वाले लेयर को हम किसी भी एंगल से पकड़ करके वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जब कोई भी पीस ऊपर नहीं होगा, जब वो वाला फार्मूला हम फर्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे तो हमें ये उल्टा एल वाला शेप मिल जाएगा, ठीक है, उल्टा एल वाला शेप मिल जाएगा। और अगर हमें उल्टा एल वाला शेप पहले ही मिलता है
और उस कंडीशन में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन मिलने के बाद जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फिर हमें प्लस मिल जाएगा, ठीक है। हमें सबसे पहले प्लस बनाना होता है, ठीक है, इस एज के कलर को ऊपर लाना होता है, सही कलर को। सो मैं आपको दिखाता हूँ अभी, क्योंकि हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, उल्टाइल वाले शेप में मिला है, ठीक है। अगर वो उल्टाइल वाले शेप में नहीं भी होता तो आप उसको किसी भी एंगल से अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ठीक है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, तो आपको उल्टाइल वाले शेप में मिल जाएगा। और आपको ध्यान देना है कि जब उल्टाइल वाले शेप में आपको मिलेगा तो इस क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है कि एक एज पीस जो है आपके लेफ्ट लेयर पे हो और एक बैक लेयर पे हो, इसी एंगल में पकड़ना है। या तो फिर सेकेंड एंगल आपका ये होगा कि एक एज पीस आपके राइट साइड में हो और एक आपके फ्रंट साइड में हो, बस इसी दो एंगल में आपको पकड़ करके ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से नहीं पकड़ सकते कि इस तरीके से एल शेप हो, एक आपके बैक और एक आपके राइट में हो, इस एंगल से नहीं पकड़ सकते। और ना ही इस एंगल से पकड़ना है आपको कि एक आपके फ्रंट और एक आपके लेफ्ट साइड में हो। आपको जब भी पकड़ना है ऐसे पकड़ना है, लेफ्ट और बैक या फिर राइट और फ्रंट, इस कंडीशन में, ठीक है। सो जब कोई भी नहीं रहेगा तो आपको उल्टाइल वाला शेप मिल जाएगा। एक बार फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, अब चूंकि हमें ये उल्टाइल ऑलरेडी मिला हुआ है, ठीक है, तो हम या तो ऐसे या फिर ऐसे रख के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, हम ऐसे रख के फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फ्रंट राइट यू आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स, ठीक है, ये देखिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल गया, ठीक है। सो यही तीन कंडीशन होंगे, या तो कोई भी एच पी सुपर नहीं होगा, उसके बाद अगर कोई नहीं होगा तो फिर आप जब फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फ्रंट राइट यू आर इनवर्स यूनिवर्स एफ इनवर्स वाला, ठीक है, सो आपको उल्टा एल वाला शेप वाला ये आपको क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। और आप उसको इस एंगल में रख के या फिर इस एंगल में रख के अप्लाई कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। सो उसके बाद हमें ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन मिलने के बाद हमें क्या करना है कि इस क्यूब को इस तरीके से पकड़ना है कि हमारा जो दोनों एज पीस है वो एक राइट साइड में हो, एक लेफ्ट साइड में हो, ठीक है। हम एज पीस को इस एंगल से नहीं पकड़ सकते, इस एंगल से पकड़ेंगे तो फिर हमारा क्यूब नहीं बनेगा, ठीक है, हमें इस एंगल से पकड़ना है, ठीक है। सो हमारा ये राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में सॉल्व पीस। अब हम इसको सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्रंट राइट यू आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स, ठीक है। ये देखिए हमें प्लस का साइन मिल गया है यहाँ पे, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। जब हमें प्लस का साइन मिल जाएगा, मतलब एज पीस का सही कलर जब हमें ऊपर मिल जाएगा, ठीक है, सो उस केस में हमें क्या करना है। सो फ्रेंड्स, मैंने भी ये दो क्यूब आप लोगों के लिए लिया है ताकि मैं आप लोगों को जब प्लस मिल जाता है हमें, ठीक है, तो उसके बाद के कंडीशंस के बारे में बता सकूं कि कितने तरह के कंडीशंस हमें मिलेंगे, ठीक है। सो ये क्यूब भी बिल्कुल उसी पोजीशन पे मैंने ला रखा है जिसमें कि हमारा नीचे का दो लेयर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व है, ठीक है, और ऊपर में हमें प्लस मिला हुआ है, ठीक है। मतलब सेंटर पीस का जो कलर है, एज पीस के कलर को हमने ऊपर कर लिया तो हमें प्लस का साइन मिल गया। अभी इस कॉर्नर को हमें नहीं देखना है क्योंकि कॉर्नर अभी हम फिक्स नहीं कर रहे हैं। पहला स्टेप होता है प्लस बनाना, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि करेक्ट एज पीस को करेक्ट प्लेस पे ले करके जाना, ठीक है। अब आप इस क्यूब में भी देखिए, दोनों लेयर इसके नीचे के सॉल्व हैं, ठीक है, ऊपर में हमें प्लस मिला हुआ है, ठीक है, कॉर्नर पीस को आपको नहीं देखना है, ठीक है। सो प्लस मिलने के बाद हमें जो स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि एज पीस को सही प्लेस पे लेकर के जाना है, जैसे इसका सही प्लेस यहाँ पे है और इसका सही प्लेस जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। सो ये हम कैसे करेंगे कि जब हमारा दो लेयर सॉल्व हो चुका होगा, ठीक है, तो इन दोनों लेयर को सॉल्व होने के बाद हम इस टॉप लेयर को टर्न करके खुद से डिसाइड कर सकते हैं वो कंडीशन। इसमें हमें तीन कंडीशन मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। पहला कंडीशन जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज वाले कंडीशन में क्या होगा कि ये वाला जो फ्रंट लेयर वाला जो एज पीस है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और जब आप क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाला पीस यहाँ पे मूव कर जाएगा, ये वाला पीस यहाँ पे और ये वाला पीस यहाँ पे, मतलब ये तीनों इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, ये अनचेंज रहेगा। सेकेंड कंडीशन होगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में भी आपका ये वाला जो फ्रंट लेयर वाला एज पीस है वो अनचेंज रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में ये वाला यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वाला पीस यहाँ, ये वाला पीस यहाँ और ये वाला पीस यहाँ, ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, ठीक है।
थर्ड कंडीशन क्या होगा कि आपका राइट लेयर वाला एज पीस, ये वाला एज पीस और ये वाला एज पीस आपस में एक्सचेंज कर जाएगा, जो तीसरा फॉर्मूला होगा, ठीक है। और लेफ्ट लेयर वाला एज पीस और बैक लेयर वाला एज पीस जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशंस में से मतलब आप किस कंडीशन पे ला करके फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप इस टॉप लेयर को टर्न करेंगे ना तो अलग अलग कंडीशन आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी मैं इसको ब्लू के साथ मैच करा रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर जो हमें कंडीशन मिल रहा है वो पहले मैं इसमें देखता हूँ, ठीक है। अगर हम रेड को मैच करा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखिए हमें ब्लू वाला भी यहाँ पे मैच किया हुआ मिल रहा है, मतलब ये वाला एच पीस करेक्ट है, ये वाला एच पीस भी करेक्ट है, ठीक है। सो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि ये जो करेक्ट नहीं है, ये जो करेक्ट नहीं है, इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि एक कंडीशन मिलेगा जिसमें कि हमको हमें राइट साइड वाला एच पीस और फ्रंट साइड वाला एच पीस एक्सचेंज करना होता है, ठीक है, और ये वाला एच पीस लेफ्ट लेयर वाला और बैक लेयर वाला एच पीस सेम प्लेस पे रहता है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको इसमें दिख गया। अब अगर मान लेते हैं कि आप दूसरा फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं या फिर दूसरे तरीके से देखना चाहते हैं इसके कंडीशन को, तो फिर से आप टर्न करके देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ऑरेंज वाला पीस हमारे सामने आया, ठीक है। सो इस केस में हमें आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन मिल रहा है। एंटी क्लॉकवाइज में ये पीस चेंज नहीं होगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा। और ये देखिए रेड वाला जो पीस है उसको यहाँ पे जाना है, ब्लू वाले पीस को यहाँ पे आना है और ग्रीन वाले पीस को यहाँ पे आना है, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन आपको यहाँ पे दिख गया। इस फॉर्मूला में ये तीनों पीसेस एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, ठीक है। और अब अगर मैं इस क्यूब को टर्न करके देखता हूँ तीसरे कंडीशन के तरफ, तो ये देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज कंडीशन भी मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर रेड वाले को अपने फ्रंट पे रख रहा हूँ, ठीक है, तो ये देखिए ऑरेंज वाला पीस जो है उसको यहाँ पे जाना है, ग्रीन वाले पीस को नहीं, सॉरी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन नहीं मिल रहा। मतलब आप खुद से क्यूब को टर्न करके देख सकते हैं क्या कंडीशन मिल रहा है। अब अगर इसमें मैं देखूँ तो आपको कभी ऐसा कंडीशन भी मिलेगा कि आमने सामने वाले एज पीसेज जो होंगे वो सही होंगे, ठीक है, और राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले एज पीसेज जो होंगे वो सही नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है कि जैसे अगर मैं क्यूब को टर्न करता हूँ, एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं रेड वाले को यहाँ पर लेकर के आ गया, ठीक है, और तो रेड वाले को लेकर के आ रहा हूँ, तो ये देखिए ऑरेंज वाला यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। इसमें भी हमारा देखिए इन दोनों को एक्सचेंज करने से भी काम नहीं बनेगा, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा या फिर ये यहाँ पर आ जाएगा तो भी क्यूब सॉल्व नहीं होगा, और ना ही इसमें क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है, देखिए, और ना ही इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और ऐसे क्यूब में मतलब आपको सिर्फ एक ये थोड़ा सा टफ कंडीशन मिल सकता है। इस कंडीशन में आपको सिंपली क्या करना है कि खुद से एक कैलकुलेशन करना है कि किस पीस को आप कहाँ पे मूव करेंगे कि फिर आप दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ब्लू वाला हमारे पास है और रेड ग्रीन वाला जो है वो इधर सही पोजिशन पर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों एज पीसेस को एक्सचेंज कर देता हूँ, जैसे अगर रेड वाले पीस को मैं यहाँ लेकर के आ जाता हूँ और ब्लू वाले पीस को मैं यहाँ लेकर के आ जाता हूँ, ठीक है, ब्लू वाला पीस यहाँ और रेड वाला पीस यहाँ, ठीक है, और ये तो हमारा सही है ही ऑलरेडी, ठीक है, ये सही लोकेशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो ब्लू वाले को यहाँ आने पे और ग्रीन रेड वाले को यहाँ आने पे क्या कंडीशन मिलेगा आप देखिएगा। ये हमारा सही है, ब्लू वाला पीस यहाँ आ गया, रेड वाला पीस यहाँ आ गया, ठीक है। सो अगर ब्लू वाला जब यहाँ पे आ जाएगा और रेड वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो उस केस में हम क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको क्यूब टर्न करके दिखा रहा हूँ, ग्रीन वाला तो फिक्स है, ठीक है, ब्लू वाला अगर यहाँ पे आ जाता है और रेड वाला यहाँ पे आ जाता है तो उस केस में क्या होगा कि क्लॉकवाइज कैसे होगा, ये तो फिक्स है हमारा। रेड वाला जब यहाँ पे आ गया तो रेड वाला देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्लॉकवाइज जब फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो, और ये ऑरेंज वाला पीस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ऑरेंज वाला पीस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ब्लू वाला जो यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चूँकि जब हम इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो ब्लू वाला पीस यहाँ पे आ जाएगा और रेड वाला पीस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लू फिर जब हम क्लॉकवाइज फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ब्लू वाला जो यहाँ पे आया हुआ रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, रेड वाला जो पीस है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा सही लोकेशन पे, और ऑरेंज वाला जो मतलब चेंज नहीं हुआ था वो पहले ही वहीं पर था तो वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। सो अब मैं आपको ये आपको खुद से मतलब कैलकुलेट करना होगा जब आपको आमने सामने वाला पीस सही तरीके से मिलेगा और दोनों साइड वाले पीसेस जो हैं आपको सही तरीके से नहीं मिलेंगे, तो आप इस तरीके से कोई भी कैलकुलेशन लगा करके
पीसेस को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, अपने सही फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। सो अब मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ, जिसमें कि हम, चलिए मैं आपको वही कंडीशन दिखाता हूँ कि इसको पहले हम एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सचेंज करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका आर यू इनवर्स, यू इनवर्स आर इनवर्स यू इनवर्स, आर यू इनवर्स आर इनवर्स यू इनवर्स, ठीक है। देखिए ब्लू वाला जो था वो यहाँ पे चला गया और यहाँ पर जो रेड वाला था वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक्सचेंज कर लिया अभी मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ग्रीन वाले को मैं अपने फ्रंट साइड में रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा क्लॉकवाइज वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ब्लू यहाँ पे जाएगा, रेड यहाँ पे आएगा और ऑरेंज वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक क्लॉकवाइज। अब देखिए इसमें दूसरा कंडीशन भी आपको मिल जाएगा, जैसे देखिए मैं ब्लू वाले को यहाँ पे कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लू वाले को करने के बाद ये रेड वाला भी मैच कर गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इस एज पीस को यहाँ और इस एज पीस को यहाँ, मतलब मैं सेम फार्मूला अप्लाई करके इन दोनों एज पीस को एक्सचेंज कर दूंगा और ये दोनों एज पीस तो वैसा ही रहता है, मतलब जब हम दोनों एज पीसेस को एक्सचेंज कर रहे होते हैं तो, ठीक है। सो इस केस में भी हम इस तरीके से फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने लेयर्स को एक्सचेंज किया, अब मैं आपको क्लॉकवाइज वाला फार्मूला दिखाता हूँ कि क्लॉकवाइज वाले फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो क्लॉकवाइज के लिए, हाँ क्लॉकवाइज के लिए देखिए रेड वाला हमारे सामने है, ऑरेंज वाले को यहाँ पे जाना है, क्लॉकवाइज के लिए जस्ट अ मिनट, हाँ क्लॉकवाइज के लिए देखिए ग्रीन वाला हमारे सामने है, ब्लू वाले को यहाँ पे जाना है, रेड वाले को यहाँ पे आना है और ऑरेंज वाले को यहाँ पे आना है, ठीक है। सो ये क्लॉकवाइज वाले सिचुएशन में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। आर यू इनवर्स, यू इनवर्स आर इनवर्स यू इनवर्स आर यू इनवर्स आर इनवर्स, ठीक है। सो ये देखिए ये आपका अनचेंज रहा और यहाँ पर जो पीस था वो यहाँ चला गया, यहाँ पर वाला पीस यहाँ आ गया और यहाँ पर वाला पीस यहाँ आ गया। तो इस तरीके से हमें ये तीनों एज पीसेस जो हैं अपने लोकेशन पे मिल गए, ठीक है। अब मैं इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज वाला कंडीशन आपको दिखा देता हूँ और वही फार्मूला मैं आपको अप्लाई करके एक बार दिखाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए अगर ऑरेंज वाला पीस हमारे सामने है, ठीक है, सो रेड वाले को यहाँ पे जाना है, ब्लू वाले को यहाँ जाना है और ग्रीन वाले को यहाँ पे आना है, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये अनचेंज रहेगा, ये तीनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है, आपस में मूव कर जाएंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो फार्मूला है आर यू आर इनवर्स यू आर यू इनवर्स यू इनवर्स आर इनवर्स, ठीक है। ये देखिए ये आपका अनचेंज रहा, ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ और यहाँ पे सही पीस आ गया, मतलब ये वाला पीस यहाँ पे आ गया, यहाँ वाला पीस यहाँ पे आ गया सही जगह पे और यहाँ वाला पीस यहाँ आ गया सही जगह पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्यूब को अलग अलग कंडीशन में ला करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और वो आप बस इस लेयर को टर्न करके डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कंडीशन में आया है तो कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है। इसके बाद हम कॉर्नर्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉर्नर्स को सॉल्व करने के लिए भी जो स्टेप हमें फॉलो करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक ही फार्मूला को याद करने की ज़रूरत है, ठीक है, और उस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद हम कॉर्नर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो कॉर्नर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें करना होता है वो ये कि सही कॉर्नर पीस को हमें सही प्लेस पे लाना होता है और लास्ट में जा कर के हम कॉर्नर का जो कलर है वो सेंटर के साथ मतलब मैच कराते हैं, मतलब जो सही कलर है उसको हम फिर ऊपर में ले करके आते हैं, ठीक है। सो अभी देखिए अब किस तरीके से करना है। अब हम इस ऊपर वाले लेयर को टर्न नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम ऊपर वाले लेयर को टर्न करेंगे तो हमारा ये एज पीस जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए हमारा इसमें भी एज पीस बना हुआ है, ये भी ख़राब हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब इसको हमें टर्न नहीं करना है, अब हम ऐसे क्यूब को रोटेट करके देखते हैं कि कौन सा पीस हमें सही मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ऑरेंज ग्रीन और वाइट ये सही नहीं है, ये सही तरीके से लगा हुआ है, सही तरीके से नहीं भी लगा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और सही तरीके से लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। ये सही तरीके से लगा हुआ है, सही जगह पे है, और ये भी सही जगह पे नहीं है, ये भी आपका सही जगह पे नहीं है, ठीक है। सो इसमें जो फार्मूला हमें अप्लाई करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है, वो हमें
राइट लेयर और फ्रंट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे सही वाले पीस को रख करके अप्लाई करना होता है, ठीक है। मतलब पूरे क्यूब में आपको जो भी सही पीस मिलेगा कॉर्नर, ठीक है, सही पोजीशन पे, उस जैसे मान लेते हैं कि ये वाला अगर सही पोजीशन पे होता है, ठीक है, सो हम इस सही पोजीशन वाले कॉर्नर पीस को राइट और फ्रंट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे रख करके फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसमें ये वाला सही प्लेस पे मिला है, ठीक है, सही तरीके से लगा हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही तरीके से नहीं भी लगा होता तो भी हम जो भी सही पोजीशन पे मिला है हम उसको फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे रख करके फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इस क्यूब में भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। इस क्यूब में देखते हैं, यहाँ पे रेड, ब्लू और वाइट ये सही जगह पे नहीं है। यहाँ पे वाइट, ब्लू और ऑरेंज ये भी सही जगह पे नहीं है। यहाँ पे वाइट, ऑरेंज और ग्रीन ये भी सही जगह पे नहीं है, और ये भी सही जगह पे नहीं है, ठीक है। सो आप सेकेंड वाले क्यूब में देख रहे हैं कि कोई भी कॉर्नर पीस जो है वो अपने सही लोकेशन पे नहीं है, ठीक है। सो इस केस में हमें क्या करना है कि जब कोई भी कॉर्नर पीस सही लोकेशन पे नहीं होगा तो हम फॉर्मूला किसी भी तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इसको हमें टर्न नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको इस क्यूब में बताया कि ऊपर वाले लेयर को अब हम टर्न नहीं कर सकते क्योंकि टर्न करने से हमारा जो बना हुआ एज पीस है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्यूब में हम जो सही पीस है उसको राइट फ्रंट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे रख करके फार्मूला अप्लाई करेंगे, और इस क्यूब में हम किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो चलिए मैं इसी क्यूब में आपको किसी भी पोजीशन पे अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इसको हमने यहाँ पे रख लिया, अब हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक पीस जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, और इस फार्मूला का इफेक्ट भी मैं आपको बताता हूँ। जब ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ना, ठीक है, तो फ्रंट राइट लेयर वाला ये जो टॉप कॉर्नर पीस है ये अनचेंज रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये तीनों पीसेस जो हैं वो क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, मतलब ये ग्रीन वाला पीस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, रेड वाला पीस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ऑरेंज वाला पीस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो ये देखिए, ये अनचेंज रहेगा, ये तो गलत प्लेस पे है ही, लेकिन जब ग्रीन वाला पीस क्लॉकवाइज मूव करके यहाँ पे जाएगा तो ये सही प्लेस पे आ जाएगा। ग्रीन, वाइट और रेड, इसका सही पोजीशन यही है, ठीक है। सो वही ध्यान देना कि अगर सही आपको मिल रहा है तो उसको फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे रख करके अप्लाई करना है, और अगर सही प्लेस पे कोई नहीं भी मिल रहा है, ठीक है, तो हम उसको कहीं पर से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये ग्रीन, रेड और वाइट वाला यहाँ पे आ जाएगा तो सही हो जाएगा क्योंकि ये अनचेंज रहेगा, ठीक है, और क्लॉकवाइज जैसे मूव करता है। अब मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे हम रख करके बनाएंगे, ठीक है, तो ये अनचेंज रहेगा, ठीक है, और ये देखिए ऑरेंज, वाइट और ग्रीन वाला पीस यहाँ पे आएगा, और ग्रीन, वाइट और रेड वाला पीस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ब्लू, रेड और वाइट वाला पीस, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ब्लू, रेड और वाइट वाला पीस, ठीक है। सो ग्रीन वाइट और रेड वाला पीस जब यहाँ पे, ये देखिए, हाँ, ग्रीन, वाइट और रेड वाला पीस जब यहाँ पे जाएगा तो ये वाला कॉर्नर पीस जो है ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर सही वाले कॉर्नर पीस को हम फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे रख करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए कॉर्नर के लिए जो फार्मूला है, बस वो सिंपल सा फार्मूला है, एक ही फार्मूला है, ठीक है, एल इनवर्स यू आर, यू इनवर्स एल, यू आर इनवर्स यू इनवर्स, ठीक है। सो इस फार्मूला को अप्लाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो पीस था मैंने आपको बताया था ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज तो नहीं हुआ, ठीक है, और हमारा एक पीस जो है वो सही प्लेस पे चला गया, ठीक है, इस पीस को क्लॉकवाइज ये मूव कर गया, ये पीस यहाँ पे सही जगह पे आ गया, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है कि इस पीस को हम फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे रख करके फिर से सेम फार्मूला रिपीट करेंगे। तो अब क्या होगा कि ये ऑरेंज और ब्लू वाला पीस जो है यहाँ पे आ जाएगा सही लोकेशन पे, और ये रेड और ब्लू वाला पीस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा अपने सही लोकेशन पे, और ग्रीन और ऑरेंज वाला पीस जो है वो यहाँ पे अपने सही लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। अभी सही तरीके से फिक्स नहीं करना है, सिर्फ लोकेशन पे लेकर के आना है, फिर लास्ट में हम सही तरीके से फिक्स करेंगे, ठीक है। सो सेम फार्मूला हम रिपीट करते हैं, एल इनवर्स यू आर, यू इनवर्स एल, यू आर इनवर्स यू इनवर्स, ठीक है। ये देखिए ये अनचेंज रहा, ठीक है, ये कॉर्नर सही प्लेस पे आ गया, ये भी कॉर्नर सही प्लेस पे आ गया, सही तरीके से फिक्स हो गया तो अच्छी चीज़ है, नहीं भी फिक्स होता है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम इसको लास्ट स्टेज पे फिक्स कर लेंगे। और ये भी देखिए ये भी कॉर्नर सही प्लेस पे आ गया, ठीक है। सो
इस तरीके से हमारा कॉर्नर भी जो है अपने सही प्लेस पे आ गया है। और अब हमें लास्ट में क्या करना होता है कि जो सेंटर पीस का कलर होता है, ठीक है, इस कलर का मतलब ये जो कॉर्नर का कलर है, ठीक है, उसको सेंटर पीस से हम मैच कराते हैं। मतलब वाइट कलर को हमें ऊपर करना है, ठीक है, इसमें भी वाइट कलर को हमें ऊपर करना है, ठीक है। सो ये अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है। अब मैं इस क्यूब को हटा देता हूँ। सो इस स्टेज पे हमें बस एक ही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, और इस फार्मूला को भी हम फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे रख करके ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, दूसरे पोजीशन पे नहीं अप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये वाला पीस सही है, ये वाला पीस सही है, ठीक है, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे। जो पीस गलत है हमारा, ठीक है, मतलब सही तरीके से नहीं लगा हुआ है, उसी पीस को हम फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे ला करके फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो दूसरा पीस सही से नहीं है उसको हम टर्न करेंगे इस लेयर को और यहाँ पे लेकर के आएंगे फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे, ठीक है। सो ये देखिए फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, आप भी सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, ठीक है, एक बार में नहीं आया, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इधर अगर क्यूब थोड़ा मेसअप हो रहा है तो इसको भी आप मत देखिए, आप इग्नोर कीजिए, बस फार्मूला आप रिपीट करते जाइए। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, ठीक है, फिर से हम रिपीट करेंगे, नहीं आने पे हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। आर इनवर्स डी इनवर्स आर, ये देखिए जब हमारा कलर ऊपर आ जाता है तो हम ये सही पोजीशन पे आ गए, लेकिन अभी आर तक ही मैंने फार्मूला अप्लाई किया था, अभी आपको डी भी अप्लाई करना है। कई बार क्या होता है कि लोग डी लास्ट में अप्लाई करना भूल जाते हैं तो उनका क्यूब नहीं बनता है, ठीक है। तो आर जब आप करेंगे तो ऊपर जब मैच कर जाता है, ठीक है, तो आपको डी करके इस फार्मूला को कम्प्लीट करना है, ठीक है। तो डी करके ये फार्मूला कम्प्लीट हो गया, अब हमारा एक कॉर्नर पीस सही तरीके से लग गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो दूसरा कॉर्नर पीस है, मतलब ये वाला जो कॉर्नर पीस है, अब हमको इसको भी सही तरीके से फिक्स करना है, ठीक है। सो इसके लिए क्या करना है कि जो इसी पोजीशन में हमें पकड़ करके रखना है, ठीक है, क्यूब को, पोजीशन इसकी चेंज नहीं करनी। मतलब ऑरेंज वाला अगर हमारे फ्रंट पे है और वाइट वाला हमारे फ्रंट पे है, ऊपर में है, ठीक है, टॉप पे, तो हमें इसी पोजीशन पे रखना है, क्यूब को चेंज नहीं करना है, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि हम फिर ऐसे पकड़ के बनाने लगे, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, इसको इसी तरीके से रखना है, ठीक है। और अब हम इसको जिस पीस को हमें करेक्ट करना है उसको टर्न करके फिर हम फ्रंट राइट टॉप कॉर्नर पोजीशन पे लेकर के आ जाएंगे और सेम फार्मूला रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमारा ये वाला पीस भी ख़राब होता है, ठीक है, ये वाला पीस तो सही तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, आपने देखा था, अगर ये वाला पीस भी ख़राब होता तो इसको भी हम टर्न करके ऐसे लेकर के आते सेम पोजीशन पे, ठीक है। सो जो भी पीस, कभी कभी आपको चारों पीस जो है वो ख़राब मिलेगा, चारों पीस सही तरीके से नहीं लगा होगा, तो चारों को वन बाई वन इसी पोजीशन पे ला करके लगाना है, फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर पोजीशन पे, ठीक है। सो अभी हम इस पीस को यहाँ लेकर के आएंगे, टर्न कर रहे हैं और यहाँ लेकर के आएंगे, और क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे ही पकड़ के इसी पोजीशन पे ये फार्मूला अप्लाई करना है। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर, और डी भी हमें कंप्लीट करना है डी। ये देखिए आपका क्यूब फाइनली सॉल्व हो चुका है, ठीक है, आपके ये सारे लेयर्स जो हैं क्यूब के कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो आप ध्यान से मेरे वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, ठीक है, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आई थिंक वीडियो को देखने के बाद फिर से क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक बार जब आप वीडियो देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है। स्टिल अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो क्यूब को सॉल्व करने में इसको, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा और उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके लिए भी कमेंट करके बताइए कि ईजी था या टफ लगा, आप लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक है। सो मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अभी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।